कैलकुलेटर में ना ये आप लोग, मैं एक बात बोल रहा हूँ, इसको वेरीफाई कर लेना बेशक अगर आपको शौक हो तो। आप कॉस इनवर्स के अंदर कुछ भी पुट, अच्छा एक और बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये मैंने लेक्चर नंबर 7 जो रेफरेंस किया था ना डोमेन रेंज वाला, उसमें मैंने बताई थी बात कि साइन और कॉस, साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स, इसके अंदर आप कैलकुलेटर में 1 से ग्रेटर कुछ नहीं पुट कर सकते, कैलकुलेटर एरर दे देगा। आप अगर पुट करोगे ना साइन इनवर्स 2 तो कैलकुलेटर आपको पागल समझेगा। क्यों? क्योंकि साइन, अच्छा मैं एक बहुत बेसिक सी बात करता हूँ, अगर आपके पास लिखा है साइन इनवर्स 1/2 तो मतलब क्या है, मतलब समझो इसका, मतलब ये है कि जब आप कैलकुलेटर में ये पुट करते हो तो कैलकुलेटर से क्या मांग रहे होते हो, कैलकुलेटर से आप मांग रहे होते हो कि हमें बताओ कैलकुलेटर कि साइन किस एंगल पे 1/2 होता है। तो कैलकुलेटर कहता है ठीक है भाई मैं बता देता हूँ 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। अब अगर मैं यहां पे पुट करूं 2, मैं कैलकुलेटर से क्या पूछ रहा हूं कि मुझे बताओ कि साइन 2 कब होता है, किस एंगल पे होता है, तो कैलकुलेटर आपको पागल समझेगा, इसलिए क्योंकि साइन 2 हो ही नहीं सकता, साइन के अंदर आप कुछ भी एंगल पुट कर लो, मैक्सिमम साइन 1 होगा, मिनिमम साइन -1 होगा, 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता, -1 से कम नहीं हो सकता, तो साइन इनवर्स 2 पे कैलकुलेटर एरर दे देगा आपको, क्योंकि ऐसा कोई एंगल ही एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया में कि जो इसको 2 कर दे, साइन के अंदर 2 कभी भी नहीं आ सकता, साइन इनवर्स के अंदर। सेम कॉन्सेप्ट कॉस के अंदर भी है, कॉस इनवर्स अगर आप कैलकुलेटर में 2 पुट करो या 3 पुट करो या -1.5 पुट कर दो तो सब पे एरर आ जाएगा, क्योंकि साइन और कॉस 1 और -1 के दरमियान होते हैं, इससे बाहर आप कुछ नहीं पुट कर सकते, इनके इनवर्स है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना। एक बात तो ये है, दूसरी बात कि कॉस इनवर्स में आप कुछ भी पुट कर दो, मतलब 1 और -1 के दरमियान आपने कुछ भी पुट कर दिया, कैलकुलेटर हमेशा आपको पॉजिटिव देगा। रीजन क्या होती है वो बताने की जरूरत नहीं है, मेरे चैनल पे तो हर चीज अपलोड की हुई है, लेकिन आप लोगों को बताऊंगा तो टॉपिक कहीं और निकल जाएगी बात। लेकिन कॉस के केस में जब भी आप कॉस इनवर्स 0.5 पुट करो, 0 पुट करो, 0.2 पुट करो, -0.5 पुट करो, 1 और -1 के दरमियान कुछ भी पुट करो, कॉस कभी भी कैलकुलेटर आपको नेगेटिव आंसर दे ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये जो मैंने आखिरी कॉलम छोड़ा है ना, ये है कि अगर आपको नेगेटिव एंगल आ जाए और अगर आपने उसको पॉजिटिव करना है, एमसीक्यूज में इसकी इतनी एप्लीकेशन आपको नजर आएगी नहीं, लेकिन अगर आ गई तो तब के लिए मैं बता रहा हूं कि अगर नेगेटिव एंगल आ जाए और आपने उसको पॉजिटिव करना हो, मैं बताऊंगा किस सिचुएशन में पॉजिटिव करना है, तो आप कैसे करोगे। तो सबसे पहली बात कि ये सवाल कॉस के अंदर बनते ही नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बात बताई है कॉस के अंदर कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता, तो अब बात रहेगी साइन और टेंजेंट, तो जरा देख लेते हैं कि किस सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ। आप जरा इस इक्वेशन को सॉल्व करना, साइन एक्स इक्वल टू -1/2, तो आप इसको सॉल्व करोगे साइन इनवर्स -1/2, कैलकुलेटर से देखना आंसर निकालना, कैलकुलेटर आंसर देगा -5/6। ठीक है, तो अब एक एंगल तो आपको कैलकुलेटर ने दे दिया, दूसरा एंगल कैसे निकालोगे, वही चीज पाई में से माइनस करते हो, आप लिखोगे पाई माइनस पहला वाला एंगल क्या आया है -5/6, ये हो जाएगा पाई +5/6, सॉल्व करो ये हो जाएगा 7π/6, तो ये वाला एंगल तो आपके पास आ गया। अब अगर आपके एमसीक्यूज में ये वाला एंगल नजर ना आए, मतलब नेगेटिव नजर ना आए, ये नजर आ जाए और इसके अलावा कोई पॉजिटिव एंगल लिखा हुआ है, तो कैसे आप लिखोगे पॉजिटिव। तो याद रखना जब भी साइन के केस में नेगेटिव एंगल आए और आप उसको पॉजिटिव करना चाह रहे हो तो आप ऐड कर दोगे 2π। अच्छा इसको पहले निकाल लोगे आप, ये नहीं कि इसमें 2π ऐड करो तब आप इसको निकालो, ये नहीं करना, जो एंगल आए पाई में से माइनस करना, ये एंगल तो ऐसे ही आ जाएगा, इसको आप पॉजिटिव कर दो। कैसे पॉजिटिव करोगे, आप इस एंगल के अंदर 2π को ऐड कर दो, सॉल्व करो 12π, ये हो जाएगा 11π/6, तो एक एंगल आपके पास आ जाएगा 11π/6 और एक एंगल आ जाएगा 7π/6। मे बी आपको ये ऑप्शन है, अगर आप इसका जनरल सॉल्यूशन लिखो तो दो टाइप का आप लिख सकते हो, या तो आप लिखोगे -π/6 +2nπ यूनियन 7π/6 +2nπ, या तो इस तरह लिखा हुआ होगा, या इस वाले नेगेटिव को शायद उन्होंने पॉजिटिव कर दिया हो, 11π/6 +2nπ यूनियन 7π/6 +2nπ। दोनों चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि अगर ऐसा आए तो सिचुएशन में याद रहना, याद रखना कि अगर नेगेटिव आए तो आप इस तरह पॉजिटिव कर सकते हो, और जो दूसरे एंगल निकाल रहे हो वो आप नेगेटिव के साथ ही निकालोगे, मतलब पाई माइनस
तो नेगेटिव वाला आया ना उसी को आप पुट करोगे, वो अपने जवाब पे आपको साइन के केस में आप ये काम करोगे। और ये चीज अगर टेंजेंट के केस में आ जाए तो फिर आप ऐड करते हो पाए, उसकी भी मैं आप लोगों को एग्जांपल करवा देता हूं। स्क्रीनशॉट लो और लेना चाह रहे थे एग्जांपल को। अच्छा कुछ साथ साथ सवाल हो तो आप लोग पूछ लेना, इंतजार नहीं करना मेरे बोलने का। एक मैं टेंजेंट की बात बता देता हूँ फिर बात खत्म करते हैं। कि लेट कर लो आपके पास इक्वेशन आ जाए टेंजेंट एक्स इक्वल टू माइनस वन, आप कैलकुलेटर में लिखोगे भाई टेंजेंट इनवर्स माइनस वन का आंसर बताओ, कैलकुलेटर आपको आंसर देगा माइनस फाइव बाय फोर। अब आप क्या करोगे, मे बी ऑप्शन में जनरल सॉल्यूशन ये ना लिखा हो, ये इसका आंसर है बकायदा माइनस फाइव बाय फोर प्लस एन पाई, इसका आंसर माना जाएगा, लेकिन मे बी आप ऑप्शन में ना लिखा हो फिर क्या करोगे। तो टेंजेंट के केस में अगर, और टेंजेंट में आपको पता है एक ही एंगल आप निकालते हो, तो टेंजेंट के केस में अगर आपका नेगेटिव आ गया आपको पॉजिटिव करना है तो आप पाई ऐड कर दो, तो आप क्या करना है इसके अंदर पाई ऐड कर देना माइनस पाई बाय फोर प्लस पाई, ये हो जाएगा थ्री पाई बाय फोर। तो मे बी आपके पास ऑप्शन में ये चीज लिखी हुई हो थ्री पाई बाय फोर प्लस एन पाई, तो ये डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, दोनों कॉन्सेप्ट में मैंने आप लोगों को बताया। ये मसला उस वक्त नहीं होगा जब पॉजिटिव एंगल आया, जब पॉजिटिव एंगल आया फिर तो आप डायरेक्ट एन पाई लिखोगे दैट्स इट, वो आपका जनरल सॉल्यूशन है। लेकिन नेगेटिव आया तो फिर ये दो केसेस होते हैं, वो डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या है। बुक में मैंने देखा किसी जगह नेगेटिव लिखा हुआ है किसी जगह पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो मैंने दोनों बता दिया ताकि स्टूडेंट के हाथ में डिसीजन हो, तो एमसीक्यू ऑप्शन देख के खुद ही डिसाइड करें। सर एन पी ए क्या है भाई, ये एन पाई है, एन पाई का मतलब ये होता है कि वैल्यू रिपीट करेगी, मतलब अगर आप एन की वैल्यू यहाँ पे वन पुट करो तो ये पाई हो जाएगा ना, आप इस एंगल के अंदर पाई पुट करो तब भी टेंजेंट की इक्वेशन में आंसर माइनस वन आ रहा होगा, मतलब यहाँ पे आप एक्स की वैल्यूज निकाल रहे हो ना, तो एक्स की वैल्यूज सेट ऑफ वैल्यूज आ रही है, कहने का मतलब आप अगर एन की जगह वन पुट करोगे ना तो यहाँ पे आंसर आएगा थ्री पाई बाय फोर, थ्री पाई बाय फोर भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप एन की जगह टू पुट करोगे मतलब इसमें टू पाई एड करोगे तो आंसर आएगा सेवन पाई बाय फोर, वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो ये सब सेट ऑफ वैल्यूज है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये पीरियोडिक फंक्शंस है, ये रिपीट कर रहे होते हैं हर वैल्यू के बाद, तो वो वैल्यू आप लिस्ट तो नहीं बना सकते कितनी इनफाइनाइट वैल्यूज है, दैट्स व्हाई जनरल सॉल्यूशन में इस तरह लिखते थे कि एन को आप मल्टीप्लाई वैल्यूज पुट करते जाओ और आपके पास डिफरेंट सॉल्यूशन इसके आते थे। और 13.2 जब आप सॉल्व करोगे, ऐसा कितनी दफा होता है कि जब आपके पास मुश्किल कोई इक्वेशन होती है ना उसको जब आप सॉल्व करते हो तो उसमें चार पांच आंसर आ रहे हैं, उसमें से कुछ आंसर उसके नहीं होते, कैसे पता चलता है, आप वो आप इक्वेशन में पुट करके देख लेना, जैसे आपके पास एक मुश्किल इक्वेशन है तभी कह रहा हूँ 13.2 को सॉल्व कर लेना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसमें अगर एक मुश्किल इक्वेशन है आपने स्क्वायरिंग की दोनों तरफ कर्व के नीचे आके चार पांच सॉल्यूशन आ गए तो मे बी दो सॉल्यूशन अगर आप इक्वेशन में पुट करोगे ना वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये आप 13.2 करोगे आपको समझ आ जाएगा। एमसीक्यूज में इतने बड़े नहीं आते, छोटे छोटे सवाल ही आते हैं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट भी होता है, जैसे आप वो अलजेब्रा में पुट करते थे ना एक्स के आंसर, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया एक्स के आंसर आए उसको आप पुट करते हो इक्वेशन में सेटिस्फाई करने के लिए, तो वैसे आप इसमें भी कर सकते हो, फिर जो आंसर आ रहे हैं वो आप पुट करो सेटिस्फाई करा दो, ठीक है बना, ठीक है बच्चों। सर ये बता दें कि 8 डेज में तैयारी कैसे करो, 1 डे में कितना, यार ये नहीं मुझे पता और ना ये होता है कि 8 डेज में कितनी तैयारी करें, 20 दिन में 15 दिन में, ऐसा कुछ मुझे नहीं पता भाई, ये हर बंदा खुद बैठे स्टूडेंट, मुझे नहीं पता आपका कौन सा चैप्टर वीक है, मैं कैसे बता सकता हूँ, मेरी आपका कैलकुलस क्वेश्चन वीक है मेरा कैलकुलस स्ट्रॉन्ग है, मैं बोल दू कैलकुलस के लिए आधा दिन देना है तुम्हारी कैलकुलस ही वीक है, तुम्हारी शायद ट्रिग्नोमेट्रिक अच्छी हो, तो ये प्लान आपका खुद बैठ के बनाना है। फॉर्मूला इसका ये होता है कि भाई आप फिगर आउट करो यार मेरे पास इतने दिन है मैंने तैयारी करनी है, दैट्स इट, आप देखते जाओ कौन सा चैप्टर आपका वीक है उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दे दो, जो आपका कम वीक है उसको कम टाइम दे दो, दैट्स इट। हर चैप्टर में आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो, जो एमसीक्यू दिए हैं उनको रिवाइज कर लो, दैट्स इट, और ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी यार मैं सही बात है इस चीज का जवाब दे देंगे क्योंकि मुझे ये चीज पसंद ही नहीं है, हमारी बारे में यूट्यूब चैनल थे क्या, हमने कहाँ से सीखा है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो स्टूडेंट खुद फिगर आउट करता है, हर चीज नहीं कि आपको बता दें और मैं वीडियो बना दूं, मेरे नजदीक इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है सवाल की, आप इसको अच्छा समझो बुरा समझो किसी और टीचर से पूछ लो, यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस होती हैं,
देखो 3 महीने 2 महीने फिर भी बात समझ आती है, 5 दिन का मैं क्या प्लान दूं आप लोगों को, 8 दिन का मैं क्या प्लान दूं, तो आप खुद फिगर आउट करो क्या आपको अच्छा आता है क्या नहीं आता, उसके हिसाब से देख लो। मैंने एक चीज क्या बताई है, फॉर्मुलों पे फोकस होना चाहिए क्योंकि फॉर्मुले बहुत पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में, जो एमसीक्यूज मैंने आपको दिए हैं बस उनको रिवाइज करना, पूरे एमसीक्यू सॉल्व करने लग जाना, और हर चैप्टर का आपको बस समरी आनी चाहिए कि मैंने इसमें क्या बातें डिस्कस की हैं। अब एग्जांपल ना करो, बस ये टेबल याद कर लो, समझ लो, समझ आने की बात है। लेकिन अब 8 दिन में आपने पहले तैयारी की भी नहीं है तो 8 दिन में क्या उखाड़ लोगे आप, सिंपल सी बात है यार। अच्छा लगे सही है, नहीं अच्छा लगे क्या कह सकता हूँ। अब आखिरी कॉन्सेप्ट है इसमें वो ये है कि अगर आप, ये बात किसी ने पूछी नहीं कि अगर आपको सैग इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, मैं जनरलाइज बात करता हूं कि सैग इनवर्स आपने कैलकुलेटर में निकालना है, ठीक है, कैलकुलेटर में सैग इनवर्स का बटन नहीं होता, तो अगर आपको कैलकुलेटर में मैं कोई वैल्यू पुट कर देता हूं, लेट कर लो आपने कैलकुलेटर में सैग इनवर्स 2 निकालना है, तो आप कैलकुलेटर में क्या पुट करोगे, आप कैलकुलेटर में पुट करोगे कॉस इनवर्स 1/2, सैग इनवर्स 2 की जो वैल्यू होगी ना वो बराबर होगी कॉस इनवर्स 1/2 के, जहां पे आपको 2 पुट करना था आप कॉस इनवर्स कंसीडर करो और 2 का रेसिप्रोकल करो, 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/2, तो जो सैग इनवर्स की वैल्यू होगी वही वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स। इसी तरह अगर आपको निकालनी है कोसेक इनवर्स की वैल्यू, लेट कर लो कोसेक इनवर्स आपको निकालना है √2, तो आप कैलकुलेटर में पुट करोगे साइन इनवर्स 1/√2, वैल्यू को रेसिप्रोकल करो तो आप आसानी से निकाल सकते। तो ये तो बात होगी कैलकुलेटर में कैसे निकालोगे, अगर मैं जनरलाइज बात करूं तो जनरलाइज बात ये होती है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर होगा कोसेक इनवर्स 1/x, इसको आप उल्टा भी कर सकते हो, कोसेक इनवर्स एक्स बराबर होगा साइन इनवर्स 1/x, इस तरह भी कर सकते हो, इसी तरह कॉस इनवर्स एक्स बराबर होगा सेक इनवर्स 1/x और टेंजेंट इनवर्स एक्स बराबर होगा कॉट इनवर्स 1/x, ठीक है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ये बात भी पता होनी चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोसेक, नहीं कॉस, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हमेशा आंसर पाई बाय 2 होता है, ये एक आइडेंटिटी आप इसको सेटिस्फाई कर सकते हो, आप यहाँ पे एक्स की जगह कोई वैल्यू पुट कर दो, 1 और -1 के दरमियान कोई भी वैल्यू हो पुट करो, देखना आंसर पाई बाय 2 आ रहा होगा। इसी तरह टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसका आंसर भी पाई बाय 2 होगा। इसी तरह सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, इसका आंसर भी पाई बाय 2 होगा। सबके आंसर पाई बाय 2 होगा। एलईडी में जो पोर्शन है वो अगर आप सेकेंड ईयर में देखो ऑलमोस्ट सबसे आता है, ठीक है, तो मैं सबके नाम ही लूंगा। सेकेंड ईयर में चैप्टर 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, कैलकुलस का, कैलकुलस में भी 4 और 6 ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसी तरह कॉनिक में आ जाओ 7-8 बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर वेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट सब कवर हो गए। 1 को कम अहमियत दी जाती है, लेकिन मुझे बात बताओ 1 का अगर एक एमसीक्यूज आ गया बात खत्म, आके एमसीक्यूज आप बोलो अहमियत कितनी होगी, 25 एमसीक्यूज है भाई उसमें से 23 चैप्टर है आपके, अगर एक चैप्टर का भी एक एमसीक्यूज आ गया तो उसकी अहमियत है, इसका मतलब फर्स्ट ईयर में अगर आप आ जाओ तो चैप्टर नंबर 5 की इतनी अहमियत नहीं है, चैप्टर नंबर 11 के अलावा इतनी अहमियत नहीं है, बाकी मैं क्या बताऊं यार, ये वो जो भी आपको टीचर बताते हैं वो तुक्का लग रहा होता है। मैं आपको यहाँ पे 23 चैप्टर में से 10 चैप्टर की लिस्ट दे देता हूँ, ज्यादा उससे आएंगे लेकिन बाकी से भी तो आ रहे होंगे, तो ये आप अपनी हैबिट छोड़ दो, ये जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाली होती है ना कि ये सवाल बता दें वो सवाल बता दें, भाई पूरा करो खुदा का वास्ता, ये अब ये नहीं होता कि यार हम आधा करें इतना करें, अगर नहीं टाइम तो फिर मैंने आपको बताया कि अगर टाइम बिल्कुल कम रह गया तो फिर ये चैप्टर्स हैं इनको फोकस कर लो, फर्स्ट सेकंड ईयर के मैंने बता दिए, फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री का ओवरऑल पोर्शन देख लो, चैप्टर 6, 7, 8 और इक्वेशन का पोर्शन, मैट्रिसेस का पोर्शन ये देख लो। रिस्क है इसमें 4-5 एमसीक्यूज आपके छूट जाएंगे, जाहिर सी बात है जो चैप्टर आपने छोड़ा उसमें से तो आएगा, लेकिन मैक्सिमम एमसीक्यूज से कवर हो जाएंगे, फुल नंबर लेने तो ऑब्वियसली फुल कोर्स हो गया। इसमें कोई सवाल है तो पूछ लो किसी का है तो। अच्छा हमारी हर चीज कवर होगी इस चैप्टर के अंदर, ये चीज तो आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो कि अगर आपके पास आ जाए साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री, तो कैलकुलेटर से निकाल लेना, आप कैलकुलेटर में पुट करना साइन 30 डिग्री, उसका इनवर्स देना तो आपको कैलकुलेटर आंसर दे देगा, बाय द वे इसका आंसर भी 30 डिग्री आ रहा है,
हर सिचुएशन में 30 डिग्री नहीं आता ना, अगर मैं यहाँ पे अगर 150 पुट कर दूं तो अब मसला हो सकता है, ठीक है। अब इसका आंसर 150 नहीं आएगा, मतलब आप ये लॉजिक नहीं लगा सकते कि सारे इनवर्स को मैं साइन से कैंसिल करूं तो 150 आ जाएगा। हर सिचुएशन में ऐसा नहीं होता, इस वाली सिचुएशन में भी आंसर 30 डिग्री आ रहा होगा। तो बेस्ट तरीका ये कि आप कैलकुलेटर में पूरी चीज पुट करना, कैलकुलेटर आपको डायरेक्ट आंसर दे देगा अगर एग्जाम में चीज आए, ठीक है। और अगर आपके पास इस तरह आ जाए कि इनवर्स अब अंदर आ जाए और नॉर्मल बाहर आ जाए, सेलेक्ट कर लो ये चीज आ जाए, ठीक है, अब इसमें मसला नहीं होता। इसमें अगर आप कैंसिल करना चाहो तो आसानी से कैंसिल कर सकते हो, कि साइन को साइन इनवर्स से कैंसिल करो, आंसर डायरेक्ट 1/2 आ जाए। ये भी चीज आप कैलकुलेटर से कर सकते हो, मतलब कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं बता ही रहा हूँ कि जब इनवर्स अंदर आ जाए और नॉर्मल बाहर आ जाए ना साइन, तो फिर मसला नहीं होता, आप इन दोनों को कैंसिल करो 1/2 आंसर होता है। लेकिन जब इनवर्स बाहर आ जाए और साइन अंदर हो तब मसला हो सकता है, तो फिर तो आप लाजमी कैलकुलेटर यूज करो। दूसरी बात, जब आप कैलकुलेटर में साइन 150 पुट करोगे तो अगेन वही चीज, आपका कैलकुलेटर डिग्री के अंदर होना चाहिए, तो यहाँ पे ये मसला नहीं होगा और जो आपका आंसर आएगा वो भी डिग्री के अंदर होगा। अगर आपका कैलकुलेटर रेडियन के अंदर हुआ तो ये वैल्यू गलत आएगी, और ये वैल्यू गलत आएगी तो उसका इनवर्स भी गलत आ जाएगा। तो शुरू में मैंने चीज बताई है ना, इसको ध्यान में रखना कब डिग्री कब रेडियन में कन्वर्ट। इसी तरह कॉस कॉस इनवर्स टेंजेंट टेंजेंट इनवर्स सब आपके पास कैलकुलेटर है, तो खैर इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से वहां पर देख सकते हैं।